सो हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी अब तक। एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे और सेशन को लाइक कर देंगे और जल्दी से शेयर कर देंगे। कोरम तो आप लोगों को याद ही होगा, आज का कोरम है 90, ठीक है, 90 व्यूअरशिप। सभी लोग एक बार कंफर्म कर दो और सेशन को लाइक कर दो, ठीक है। और आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट नंबर 27 अपने जीके बूस्टर डोज सीरीज़ का। और जिनका भी CHSL का एग्ज़ाम लगा हुआ है, आपको पता है मैंने आपको एक और क्लास स्टार्ट कर दी है जहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। कल हम लोगों ने दो पेपर्स को सॉल्व किया था, 12 अप्रैल को जो आपका पहला शिफ्ट हुआ था और दूसरा शिफ्ट, दोनों को हम लोगों ने सॉल्व किया था। और आज हम लोग करने वाला तीसरा, आप लोगों को सॉल्व करने के लिए मैंने बोला था। और आज जो हम लोग 13 अप्रैल का फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट का जो है पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और ये इसका टाइमिंग क्या रहेगा, कल हम लोगों ने 7 PM पे किया था, बट अब से ये डेली 9 PM पे रहेगा, ठीक है। रात को 9 बजे रहेगा, ठीक है, यानी सुबह उठते ही 7 AM पे आपको ये सेशन लेना है, 7:30 AM पे जीके बूस्टर डोज का। और हो सकता है आप जल्दी भी उठते हो, बहुत अच्छी बात है, तो आप बाकी भी चीज़ों को कवर कर लेते होंगे। और रात में जो है सोने से पहले आपको ये सेशन करके सोना है, बिकॉज़ प्रीवियस ईयर पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्योंकि आपको डायरेक्टली वहाँ पर क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है। मैथ्स वाला बोल रहे हैं सर ल्यूसेंट कंप्लीट करवा दीजिए। ल्यूसेंट के पीछे क्यों भाग रहे हो, अभी प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब पूरे लग जाएं कि हाँ ये सारे मेरे 2021 के, 2020 के, 2019, मतलब जितने भी, आप ये मान लो कि 5 साल के आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लग गए, उसके बाद आप जा सकते हो कि ल्यूसेंट। अगर आप CHSL के प्रिपेयर कर रहे हो तो ल्यूसेंट का भी टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। रितेश मेहरा, प्रीवियस ईयर क्लास वॉज वेरी हेल्पफुल, ठीक है, ये आपको ये आपको तब रियलाइज़ होगा जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे। यहाँ पे भी जीके बूस्टर डोज भी मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आपको मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि थ्योरी ना पढ़ने पड़े। अब जैसे कोई मान लो फंडामेंटल ड्यूटी से कोई क्वेश्चन आता है, तो फंडामेंटल ड्यूटी से वो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके SSC एग्ज़ाम में, वो सारे करवा देता हूँ। तो फिर आपको क्यों थ्योरी पढ़नी है, सिंपल सा मेरा कहने का मतलब। हाँ, अगर आपके पास टाइम है कि हमारे कम से कम भी 1 साल का टाइम है, तो आराम से हम जीके में थ्योरी पढ़ सकते हैं, तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल, NS चौहान, आर्मी लवर, अमनजीत, सिमरन, GS मुझसे ना होगा, कितनी भी पढ़ लूँ मैं। चलो, तुमसे नहीं हो पाएगा ना, बस जीके बूस्टर डोज इसमें रेगुलर रहा करो और नोट्स बनाते रहो, और जो प्रीवियस ईयर के मैं सेशंस लेता हूँ उसमें बस रेगुलर रहो, ठीक है, वो हम करवा देंगे, उसकी तुम चिंता मत करो। चलो, सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे भाई। कोरम आप लोगों को याद होगा, कोरम अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, तो इस वजह से सेशन को शेयर कर दो, ठीक है। स्टार्ट करें करंट अफेयर्स से। गुड मॉर्निंग अमनराज, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कौन सा देश ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा, विच कंट्री विल होस्ट द ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025, श्रीलंका, इंग्लैंड, पाकिस्तान या फिर न्यूजीलैंड। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को कौन होस्ट करने वाला है, तो ये करेगा हमारा बेटा, हमारा नल्ला बेटा, ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान, ठीक है। अब ICC की और भी कुछ ट्रॉफीज़ हैं जो आपको पता होना चाहिए। ICC का भी मेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, ICC या मेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा 2022 में ही, नवंबर के महीने में। और ये कहाँ पे होगा, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। जो पिछला वाला हुआ था वो उसका विजेता ऑस्ट्रेलिया था, और इस बार का होगा ऑस्ट्रेलिया में। आपका ये तो हो गया T20 के बारे में। ICC का जो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है, जो वनडे लेवल का होता है क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो अगले साल होगा 2023, वो कहाँ पे होगा जल्दी से बताइए। ये होगा आपके इंडिया में, ठीक है, हमारे देश में, इंडिया में ही होगा। और अगर हम देखें तो अभी रिसेंट में और कौन सा इवेंट, फीफा, ठीक है, फीफा ध्यान रखिएगा, इस बार का 2022 का कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाया जाएगा, कतर में, ठीक है। अगले बार का जो 2026 का फीफा होगा वो कहाँ पे होगा, ध्यान रखिएगा, ये आपका USA, मेक्सिको और कनाडा में, तीन कंट्रीज़ में होगा, ठीक है। और एक चीज़ आपको याद ये रखनी है कि जैसे ये थोड़ा न्यूज़ में भी था कि एक कौन सी इंडियन कंपनी है जो फीफा में स्पॉन्सर करेगी, फीफा को स्पॉन्सर करेगी, या फिर फीफा में इसको स्पॉन्सरशिप मिली है, दैट इज़ बायजूस, ठीक है। तो इसको स्पॉन्सरशिप का मौका मिला है फीफा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IQ एयर द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है, विच इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग रिलीज बाई IQ एयर। सोफिया, बुल्गारिया, दिल्ली, इंडिया, वुहान, चाइना, फिर लाहौर, पाकिस्तान। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली, इंडिया। तो सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी अगर हम बात करें दिल्ली बना है, लेकिन इंडिया में अगर हम बात करें सबसे पॉल्यूटेड सिटी, ये तो कैपिटल सिटी की बात कर रहा था ना, अगर बात करें सबसे पॉल्यूटेड सिटी इंडिया में, तो ये भिवाड़ी, ठीक है, भिवाड़ी बना है, इतनी चीज़ क्लियर। अगला क्वेश्चन है,
आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज दी न्यू चेयरमैन ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी? गौतम गंभीर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ या फिर अनिल कुंबले? आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, आईसीसी मेंस। और ये जो करंट अफेयर्स है, ऐसा नहीं कल के परसों के या फिर दो दिन पहले के, आज अब से जो ये मैंने आज से करंट अफेयर्स लिए आपके नवंबर के करंट अफेयर है, ठीक है, क्योंकि आपका CHSL और MTS का हमारा टारगेट है, ठीक है, तो इसमें हमें नवंबर का पिछले साल का भी कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है SSC रीसेंट का तो बहुत ही कम चांस है कि पूछता है, वो काफ़ी पुराना पुराना करंट अफेयर्स को पूछता है, तो इस वजह से जो यहाँ पे मैंने रखे हैं यही GK बूस्टर डोज की खासियत है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो कल हुआ करंट अफेयर वो आपसे पूछा रहा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम एक महीने या फिर दो महीने बाद है उसमें कल का करंट अफेयर नहीं पूछेगा, वो आपको पुराना करंट अफेयर पूछता है, सिर्फ अगर कुछ एग्ज़ाम्स को हम छोड़ दें तो। इसका आंसर सौरभ गांगुली होगा, और इससे पहले आपके अनिल कुंबले थे, तो अनिल कुंबले से इन्होंने पदभार ये लेंगे सौरभ गांगुली। और अगर हम ICC की बात करें तो ICC का जरा आप बता दो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, किसी को पता है इसका हेडक्वार्टर? तो इसका हेडक्वार्टर है दुबई UAE में, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर, WTA टेनिस टूर्नामेंट फाइनल का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वन द WTA टेनिस टूर्नामेंट फाइनल? गाबिन, मुगुरुज़ा, हैश सुवे, बाबरो क्रेजिकोवा या फिर कैटरीना सीनियाकोवा? आंसर इसका ऑप्शन होगा ए, गैबरिन मुगुरुज़ा। और ये गैबरिन जो मुगुरुज़ा हैं, ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? से बिलोंग्स टू स्पेन, ठीक है। और ये जो WTA टेनिस टूर्नामेंट है, ये हुआ कहाँ पे था? तो ये आपका मेक्सिको में हुआ था, मेक्सिको में एक जगह पड़ती है गुआडालाजारा, ठीक है, तो वहाँ पे ये हुआ था मेक्सिको। मेक्सिको किस कॉन्टिनेंट की कंट्री है? नॉर्थ अमेरिका की। दुबई सही है, गुलशन यादव आर्मी, प्रीति यादव बिल्कुल, जानवी निहाल आर्मी लवर। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, गुजरात का कौन सा जिला राज्य का पहला 100% प्राकृतिक कृषि खेती वाला जिला बन गया? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात हैज़ बिकम द फर्स्ट 100% नेचुरल एग्रीकल्चर फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट? गांधीनगर, सूरत, कांडला या फिर डांग? तो ये डांग डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे गुजरात की, जो 100% नेचुरल एग्रीकल्चर फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट बन गया। अब नेचुरल एग्रीकल्चर फार्मिंग का मतलब क्या है? तो इसमें पूरी हर चीज़ नेचुरल यूज़ की जाएगी, जैसे फर्टिलाइज़र में हम यूरिया वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, हम फर्टिलाइज़र के तौर पे हम जो आपका गोबर होता है, ठीक है, आप जानते हैं उसको हम खाद के तौर पे यूज़ करते हैं, तो उसको यूज़ करेंगे। हर चीज़ नेचुरल होगी, कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करेंगे, कोई केमिकल का यूज़ नहीं होगा, ठीक है, सब कुछ नेचुरल होगा, और इसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, डांग। अगला क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है ख़त्म, और यहाँ से अब हमारा हिस्ट्री का सेक्शन चालू होगा, ठीक है। सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे जितने लोगों ने नहीं किया है, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना हिस्ट्री का सेक्शन। पहला क्वेश्चन है, काशीराम द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसकी जयंती पर की गई थी? बहुजन समाज पार्टी वॉज फाउंडेड बाई काशीराम ऑन हूज बर्थ एनिवर्सरी? अब ये जो फाउंडिंग है कि ये इस पार्टी कब, इसका गठन कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम SSC परस्पेक्टिव से बात करें। अभी कुछ महीनों पहले आपको पता है ICR टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में ये पार्टी से क्वेश्चन आ रहा था, और हमने कल आई थिंक जब प्रीवियस ईयर पेपर्स कर रहे थे तो उसमें भी आई थिंक एक क्वेश्चन एनकाउंटर किया था प्रीवियस ये पार्टी वाला। तो यहाँ पे पूछ रहा है बहुजन समाज पार्टी काशीराम द्वारा बनाई गई किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे? बहुत ईजी क्वेश्चन है, अम्बेडकर जी इनके मूल बोल सकते हो। बहुजन समाज पार्टी किसको रिप्रेजेंट करती है? जो दलित वर्ग है उसको, जाहिर सी बात है BR अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी में इस पार्टी का गठन हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अब गठन हुआ कब था, डेट ईयर भी पता होना चाहिए, चलो डेट तो नहीं पता होनी चाहिए, नहीं तो किस किस की डेट याद रखोगे। 1984 में इसका गठन हुआ था। अब चलो सपा का भी याद रख लो, तो सपा का कब हुआ था, 1992 में, और जो सोशलिज्म है उसके कॉन्सेप्ट पे ये सपा समाजवादी पार्टी बनी थी, समाजवाद के प्रिंसिपल्स पे। अभी हम देखेंगे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पे भी हमारा क्वेश्चन आएगा, तो कौन कौन सोशलिस्ट थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे। DMK की अगर हम बात करें, DMK कहाँ की पार्टी है, तो DMK पहले तो इसका फुल फॉर्म चलो, द्रविड़ मुनेत्र कज़गम इसका फुल फॉर्म है, और ये तमिलनाडु की पार्टी है, ठीक है, और ये फाउंड हुई थी 1949 में, और इसके जो लीडर हैं MK स्टालिन, वो अभी करेंट में तमिलनाडु के CM हैं, चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन। और एक और पार्टी है AIADMK, इसका फुल फॉर्म वही है, DMK का जो ऊपर है वही AIA का है, यहाँ पे ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़गम, और ये पार्टी जो है बनी थी 1972 में, और ओ पनीर सेल्वम इसके लीडर हैं, जो पिछले तमिलनाडु के CM थे, ठीक है, तो ये दोनों तमिलनाडु की पार्टीज़ हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा सेवन्थ नंबर, निम्नलिखित में से कौन 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह में अलाहाबाद अब प्रयागराज के नेता थे? हुआ अमंग द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ द अलाहाबाद रेबिलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857? मौली लियाकत अली,
खान, बहादुर खान, तातिया टोपे या फिर रानी लक्ष्मीबाई। तो 1857 रिवोल्ट के बारे में हम लोग जाने कब से पढ़ रहे हैं, और एटलीस्ट इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, और आप लोग सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट 70 लाइक्स तो कंप्लीट कर ही दो, 100 लोग देख रहे हो। ऑल इंडिया अन्ना बिल्कुल, अनुज प्रताप, रितेश, जितेंद्र, माई एम, गुलशन, सभी का सही है। आकाश पटपाल, प्रीति, सुमेर, सभी का सही है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मौलवी लियाकत अली। अब खान बहादुर खान हमने कहाँ पढ़ा था, ये कहाँ के लीडर थे, ये बरेली के, ठीक है, बरेली से लीडर थे ये 1857 रिवोल्ट में। तातिया टोपे कानपुर से, फिर फर्दर ग्वालियर से, ठीक है। अगर हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, ठीक है, आंसर क्या होगा, मौलवी लियाकत अली। इसको आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं। अब जीएस उतना भी हार्ड नहीं होता जितना आप बनाते हो, अगर सही से आप अटेम्प्ट करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 25 में 25 स्कोर कर ले जाओगे, काफ़ी जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुजन समाज पार्टी, इसमें थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस का यूज़ करना था कि हाँ अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर बनी है, तो अंबेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी पर बनाया होगा, ठीक है। तो आप डेली बेसिस पर ऑब्जर्व करो कि आप कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तभी मैं बोलता हूँ कि अपना स्कोर आप लास्ट में बताया करो। बिकॉज यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आप CHSL में अभी बैठोगे ना, दूर नहीं एग्जाम, खुद ही देख लेना कि कैसे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ऐसे ही आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। 1880 में प्राचीन स्मारकों के क्यूरेटर एंड संग्रहाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किया गया था, हु वॉज अपॉइंटेड एज अ क्यूरेटर ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स इन 1880, जेम्स फर्ग्यूसन, HH कोल, जॉन मार्शल या फिर अलेक्जेंडर कनिंगम। ये नियुक्त किया गया था HH कोल को, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जेम्स फर्ग्यूसन की बात करें तो इनके नाम पे आपको फर्ग्यूसन कॉलेज देखने को मिलेगा 1885 में, जो इस्टेब्लिश हुआ था पुणे में, ठीक है। आपने उनका एक नाम सुना होगा, अंसार शेख, है ना, IAS ऑफिसर अंसार शेख, यंगेस्ट IAS ऑफिसर, तो वो फर्ग्यूसन कॉलेज से ही पढ़े थे, तो ठीक है, उतना कोई ज़्यादा याद करने वाली चीज़ नहीं, बस मुझे ऐसा दिमाग में आया तो मैंने आपको बता दिया। अलेक्जेंडर कनिंगम की अगर बात करें तो इनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं इंडिया, बिकॉज जो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके फाउंडर थे आपके ये, कौन, अलेक्जेंडर कनिंगम। आपको ये बताना है कि जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये कब स्टैब्लिश हुआ था, आपको होमवर्क है ये। अगला क्वेश्चन है, 9th नंबर, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक था, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, राम मनोहर लोहिया, SK पाटिल, CN अन्ना दुराई या फिर अतुल्य घोष। होल नहीं भाई, कोल है, वो कोल है, ठीक है। प्रीति यादव, आर्मी अमन राज, माई एम, अनुज, अनुज प्रताप सिंह पूछ रहे हैं, इस किस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्लास ले रहे हैं, ये आपका CHSL हो गया, MTS हो गया, दिल्ली पुलिस अभी आने वाला है, और बाकी आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठोगे ये आपका सेशन बहुत बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों ने जब से सेशन ले रहे हो, सकता आप किसी एग्ज़ाम में अभी तक ना बैठे हो, उस हो सकता है इसकी वजह से इंपॉर्टेंस ना समझ पा रहे हो। अभी कुछ लोग ESIC का एग्ज़ाम दे के आए हैं, MTS का, वो लोग समझ गए हैं, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस, बूस्टर डोज के सेशन के इंपॉर्टेंस, बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हैं। अभी आप CHSL में और MTS में, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही रिपीट होता है, ठीक है। चलिए, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा ये साइंस सेक्शन का थर्ड लास्ट है, ठीक है। और अगर आप लोगों के ये समझ लो कि 80 लाख कंप्लीट नहीं किए, तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ने वाला, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर, कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का फाउंडर कौन था, ये पूछ रहे ना, आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, राम मनोहर लोहिया। अब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी कब थी, 1934 में बनी थी। क्या राम मनोहर लोहिया नहीं बनाई थी सिर्फ अकेले, नहीं, इसमें और भी लोग इन्वॉल्व थे, जैसे कि JP नारायण, ठीक है, आचार्य नारायण देव, ठीक है, आचार्य नारायण देव, मीनू मसानी, ये नाम याद होने चाहिए आपको। अब तभी आपने देखा होगा जो समाजवादी पार्टी है सपा वाले, वो राम मनोहर लोहिया का नाम बार बार लेते रहते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी पार्टी का नाम ही समाजवादी पार्टी, ठीक है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पे बनी है। अगर हम बात करें कांग्रेस सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये तो हो गया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। एक आपकी बनी थी कांग्रेस ऑल इंडिया किसान सभा एक बनी थी, वो आपको पता होना चाहिए। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये कब बनी थी, ये आपकी 1925 में एक तरह से आप बोल सकते हो कि अनऑफिशियल तरीके से बनी आपकी उज्बेकिस्तान में, उसके बाद 1930 में ये कानपुर में ऑफिशियल तौर पे बनी, ठीक है। और ऑल इंडिया किसान सभा आपकी 1936 में सहजानंद सरस्वती ने बनाई, और इसको CPI को किसने बनाया था, MN रॉय ने, ठीक है, MN रॉय ने, और ये सहजानंद सरस्वती, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुल कितने वेदांग हैं, हाउ मेनी वेदांगाज आर देयर इन टोटल, 2, 6, 5 या फिर 10।
तो टोटल कितने वेदांगाज हैं? टोटल 6 वेदांगाज हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें, ये तो वेदांगाज तो हमारा कॉन्सेप्ट होता है हिंदुइज्म में, ठीक है, वेदों में, बट अंगाज का कॉन्सेप्ट होता है जैनिज्म में, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि टोटल कितने अंगाज हैं जैनिज्म में, तो ध्यान रखिएगा टोटल 12 हैं, ठीक है, 12 अंग हैं। और अगर मैं आपसे पूछूँ कि टोटल मंडल कितने हैं ऋग्वेद में, टोटल मंडल ये आपको बताना है, और टोटल हाइम्स कितनी हैं, ठीक है। तो मंडल अगर हम बात करें 10 मंडल हैं, और टोटल हाइम्स की बात करें 1028 हाइम्स हैं आपकी, किस में? ऋग्वेद में, ठीक है। अच्छा आप ये बताइए, कौन से मंडल में हमारा गायत्री मंत्र दिया हुआ है, गायत्री मंत्र, और कौन से मंडल में आपका सत्यमेव जयते दिया हुआ है, सत्यमेव, ये सब हम लोग देख चुके हैं पहले, ठीक है। अगर वेदों की बात करें, वेद कितने हो जाएंगे टोटल आपके? 4 हो जाएंगे, ऋग्वेद, फिर आपका सामवेद, आप यजुर्वेद और अथर्वेद। सबसे अगर ओल्डेस्ट वेद का नाम पूछेगा तो ओल्डेस्ट आपका हो जाएगा ऋग्वेद। आपसे अगर पूछे कि किस वेद में म्यूजिक के बारे में दिया है, तो ध्यान रखना सामवेद के बारे में दिया हुआ है, इसमें सैक्रिफाइसेस और इसमें रिचुअल्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही है सभी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुज तुलिका मंडल 3, बिल्कुल 3rd मंडल में आपका गायत्री मंत्र दिया हुआ है, सही है, 4th नहीं होगा, 100 रब गोलियो, 3rd में आपका वो गायत्री मंत्र है, ठीक है। और चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे जितने लोगों ने नहीं किया है, और पॉलिटी का हमारा सेशन स्टार्ट हो गया, और मैंने बोला था 80 लाइक्स कंप्लीट नहीं होंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि ये टारगेट तो मैं आपको दे के चलूंगा। अब बिल्कुल मुंडका उपनिषद, अनुज प्रताप सिंह, 100 रब ग्वालियर, प्रीति यादव, सभी का सही है। तो अगला क्वेश्चन देखें, चलो पहला क्वेश्चन आपका पॉलिटी का, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि किसी भी नागरिक के साथ, अब ये तरह के क्वेश्चन आपसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर के हैं, और वही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बस आप इन सेशंस को करते रहो, आप जब एग्जाम में बैठना तो खुद ही आपको पता चल जाएगा किसने कितना हेल्प किया, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, 15, 39, 23 या फिर 45। अब अगर तुम इतना सेंस ले पा रहे हो कि एक फंडामेंटल राइट है, ये एक मौलिक अधिकार है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के खिलाफ नहीं कर सकता है, तो ये ऑप्शन, ये दो ऑप्शन गए, बिकॉज ये दोनों आपके DPSP हैं। अगर आपको ये पता है कि ये फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के बारे में बात कर रहा है, और मौलिक अधिकार हमारे अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक में दिए हुए हैं, तो आप बी और डी को तो हटा सकते हो ना, ठीक। 23 किसकी बात करता है? 23 बात करता है कि आप किसी से बंधुआ मजदूरी यानी इसको बोलते हैं बेगार, वो नहीं करवा सकते, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं आप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिटेड है, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिटेड है। तो अब बचता है कौन आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 15, अनुच्छेद नंबर 15, ये बोलता है कि 5 यानी कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के केस में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। सारे आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए, जल्दी से रिवाइज कर लें हम लोग, चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, इतना आपको पता होना चाहिए, और 30, ठीक है, 30 तक आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें 14 किसकी बात करता है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, दो तरह के इसमें इक्वालिटी के बारे में मेंशन है। 15 अभी हम देख के आ रहे हैं कि आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं हो सकता रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, लॉस, प्लेस ऑफ बर्थ के टर्म्स में, ठीक है। जल्दी जल्दी देखेंगे कि देखो, एक तो था कि मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ जाता, और दूसरा है कि मैं आपको जल्दी से बता दूं ताकि जिन लोगों को पता उनका रिवाइज हो जाए, नहीं पता आपका तो आपका ये काम बनता है, होमवर्क बनता है कि आप उसको देखो कि किस आर्टिकल में क्या है। यहाँ पे मैं स्पीड ही पिकअप करूँगा बिकॉज एग्जामिनेशन के लिए इतना टाइम नहीं आपके पास, और फिर आपका ब्रेन जो है स्पीड प्रोसेसिंग में होना चाहिए, ठीक है। 16th की बात करें, ये एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, इसकी बात करता है, तो एम्प्लॉयमेंट कीवर्ड को याद रखना है। 17 किसकी बात करता है कि आप अनटचेबिलिटी, छुआछूत नहीं कर सकते हैं, अनटचेबिलिटी की बात करता है। 18 बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, तो ये कीवर्ड है, 16 में कीवर्ड है एम्प्लॉयमेंट, 17 में कीवर्ड है अनटचेबिलिटी, 18 में कीवर्ड है टाइटल, ठीक है। 19 की बात करें, 6 तरह के आपको फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइट मूवमेंट, फ्रीडम टू राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, तो ये सारे फ्रीडम आपको मिले हुए 6 तरह के। 20 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन ऑफेंसेस, जैसे आपने कोई क्राइम कर दिया, ठीक है, क्राइम कर दिया आपने, आप क्रिमिनल हैं, अब उसके बाद भी आपको कुछ प्रोटेक्शन मिलती हैं, वो 20 के तहत मिलती हैं। 21 में आपकी पता है राइट टू लाइफ है,
ठीक है, जीवन जीने का अधिकार है। और यहाँ पे एक मिस कर दिया, आर्टिकल 21A, जिसको 86th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, एंड इट इज़ रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 एंड 14 ईयर्स ऑफ एज। 22 किसकी बात करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है, अरेस्ट एंड डिटेंशन के रिगार्डिंग इस प्रोटेक्शन संरक्षण प्रदान करता है। 23 अभी हम लोग देख के आ रहे हैं, 23 आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं और फोर्स लेबर बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। 24 है कि हजार्डुअस एक्टिविटीज़ में जो खतरनाक काम है उसमें बच्चों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, चिल्ड्रन को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे कीवर्ड है चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। 25 आप बात करते हैं, 25 से लेके 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता, बस आप इतना याद रख लो 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता बात करता है। डिटेल में इसमें आपसे नहीं पूछेगा कि 25 में क्या 26 में क्या, से 25 में आपको फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस मिलता है, 26 में आपको जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस होते हैं ग्रुप ऑफ तो उनको मिलता है, तो इतना आपको डीप में याद नहीं रखना, बस 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बात करता है, एटलीस्ट इतना तो याद होना चाहिए। और 29 और 30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हैं, बस इतना याद रख लो, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है 12th नंबर, तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना। ये क्वेश्चन भी बहुत इस तरह के क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, आपने कल भी देखा जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर करवाया कि कल आई थिंक उत्तराखंड का पूछा था, ठीक है, दोनों शिफ्ट में आई थिंक एक एक पूछा था कि ये कब बना था। तुलिका सेन बिल्कुल सही है, सेवक दास, शिवेंद्र सिंह, निहाल गुप्ता, अनुज प्रताप सिंह, और लाइक यार करते रहो, बताना ना पड़ा जल्दी से, 100 लाइक्स कंप्लीट कर दो, ठीक है। चलो 29 और 30 कल्चरल एंड एजुकेशन, बिल्कुल। अगर हम तेलंगाना की बात करें कब फॉर्म हुआ था, 29 स्टेट के रूप में ये फॉर्म हुआ था 2 जून 2014 को, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। और ये बना था, इलेक्शन हुए और यहाँ का पहला सीएम कौन बना था क्या आपको पता है, के चंद्रशेखर राव, ध्यान रखिएगा, के चंद्रशेखर राव यहाँ के पहले सीएम बने थे, ठीक। अब यहाँ पे हमें और कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, ठीक है, जैसे उत्तराखंड, या इसको मैं पहले तो हटा देता हूँ, रुको, ये पता होना चाहिए उत्तराखंड, ठीक है, और आपका उत्तराखंड और झारखंड ये कब बने थे, ध्यान रखना ये सन 2000 में दोनों बने थे, ठीक है, नवंबर 2000 में बने थे उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है। और अगर हम बात करें अरुणाचल और मिज़ोरम, ये भी एक साल ही बने थे, इनका भी फॉर्मेशन याद रखना, नॉर्थ ईस्ट वालों का बहुत इंपॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्ट के सबका याद रखना 1987 में। और जैसे आपका असम सबसे पहले 1947 में इंडिया में आ गया था, और मणिपुर की बात करें, मणिपुर आपका आया था 1972 में, ठीक है, तो ये आप एटलीस्ट रट लो ये सब, ठीक है। झारखंड उत्तराखंड का तो याद रहेगा तुम्हें 2000 में, बाकी अरुणाचल मिज़ोरम 1987, मणिपुर 1972 और असम 1947, 15 अगस्त 1947। भारत में, और ये सिक्किम वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिक्किम वाला तो बार बार पूछता है, सिक्किम का अमेंडमेंट पहले तो पूछ लेता है कि 36th अमेंडमेंट से इसको कंप्लीट स्टेटहुड का दर्जा मिला था, और आपको ये बताना है कि कौन सा ईयर था वो, ठीक है। भारत में दो सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी, इन विच ईयर द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट विद टू हाउसेज केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया, 1953, 52, 54 या फिर 1955। राहुल, शिवेंद्र, सिमरन, अनुज, अजय, माई एम सही है सभी का। चलो अगर हम इसकी बात करें, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 को इलेक्टेड पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा केम इनटू एग्जिस्टेंस, दिस यू हैव टू रिमेंबर, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 1952, ठीक है। पहले जनरल इलेक्शन भी हमारे कब हुए, पहले जनरल आम चुनाव 1951-52 में, ठीक है। अगला सवाल देखें, नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था, सुपर ईजी क्वेश्चन है, नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर, 16, 14, 15, 13, आपको भी पता है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग एग्जिस्टेंस में आया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अब नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, पहले हम लोग देख चुके हैं। इसमें क्या क्या फैक्ट और याद रखने हैं, कि पहले तो फैक्ट यही याद रखना कि ये संवैधानिक संस्था नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ना ही ये स्टैट्यूटरी है, क्योंकि ये कोई लॉ के थ्रू नहीं बनी है, ये एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू बनी है, इस वजह से ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान रखना इस चीज़ को। इसके आपसे चेयरमैन पूछ लेगा, वैसे तो ये शायद ही पूछे बिकॉज ये ऑलमोस्ट सबको पता होता है, अभी आपसे पूछेगा तो ये सीईओ पूछ सकता है, और इसके जो वाइस चेयरपर्सन हैं वो पूछेगा, बिकॉज वाइस चेयरपर्सन अभी इसके नियुक्त हुए हैं, कौन नियुक्त हुए हैं जल्दी से बताइए। तो चेयरपर्सन इसके होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो नरेंद्र मोदी होंगे इसके चेयरपर्सन। और सीईओ की अगर बात करें तो अमिताभ कांत, ठीक है, अमिताभ कांत, और अगर हम वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो कौन है, सुमन के बेरी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखने, 3-4 फैक्ट आपको पता होना चाहिए, किसकी जगह ली इसने,
प्लानिंग कमीशन की जगह ली, प्लानिंग कमीशन को एक तरह से हटा के उसको लाया गया नीति आयोग को, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन के रिगार्डिंग सारे फैक्ट हम पहले ही देख चुके हैं कि 5 ईयर प्लान लाया था और कब कब आए थे, सारी चीज़ें राहुल, प्रज्ञा, अमन, जानवी, अंकुश, जितेंद्र, प्रीति, सभी का सही है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स हैव बीन गारंटीड टू इंडियन सिटीजन्स, आर्टिकल नंबर 31, आर्टिकल नंबर 26, आर्टिकल 1 या फिर आर्टिकल नंबर 19। ईजी क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने इसका आंसर बताया है थोड़ी देर पहले। तो आर्टिकल अभी क्या है, फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं ना, मौलिक अधिकार की। वन तो हो नहीं सकता ना, वन तो यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बात करता है, पार्ट वन में है। ये तो गया आपका ऑप्शन, ये तो आपका ऑप्शन गया ना। सभी का सही आंसर है यहाँ पे। चलो आंसर क्या होगा, आर्टिकल 19। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आर्टिकल 19 में आपको 6 तरह की फ्रीडम मिली हुई है। वो 6 तरह की कौन सी हैं, आपको रटने होने की जरूरत नहीं, बट फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी कि आप कहीं पर इकट्ठा हो सकते हैं लेकिन हथियार वगैरह लेके नहीं, आप अपना एसोसिएशन बना सकते हैं, तीसरा राइट है। चौथा आपका राइट है कि आप कहीं भी फ्रीली जा सकते हैं, कहीं भी जहाँ आपका मन है, ठीक है। चौथा, पांचवा है आपका कि आप कहीं पे भी घर ले सकते हैं, कहीं पे भी आप सेटल हो सकते हैं, कहीं पे भी आपने रिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक पहले देखो, मैंने 5 बताया ना अभी, ठीक है, और 6 हैं। तो छठवा आपका एक हुआ करता था एफ में, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया है। आपको बताना है कौन से अमेंडमेंट से हटाया गया, ठीक है। और इसमें एक और है, क्योंकि मैंने बोला ना 6 हैं, पहले 7 होते थे, अभी 6 हैं। तो 6 की जगह पहले राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, जिसको हटा दिया गया। और 7वें में जो कि अब छठा हो गया है, वो है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप कोई भी धंधा कर सकते हो। अब देखो, सब में कोई ना कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। अब मैंने बोला कोई भी धंधा कर सकते हो, तो इसका मतलब नहीं कि कोई भी, मतलब मैं कोई ड्रग्स बेच रहा हूँ, मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, युवाओं को ठीक है, तो वो सब नहीं हो सकता है। कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, आप कहीं पे भी घर ले सकते हो। इसका मतलब ये नहीं नॉर्थ ईस्ट में आप जाओगे और जहाँ मन चाहे, क्योंकि कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आप घर नहीं ले सकते, कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। आपको बोलने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगे, किसी दूसरे की छवि को आप खराब करोगे, ठीक है। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। और इसका आंसर होगा 44th अमेंडमेंट, जिन लोगों ने 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978, बिल्कुल सही है सभी का, चाहे वो अजय हो, गुलशन हो, आर्मी, 42 जोड़ा, 44 तोड़ा, क्या 42 जोड़ा तोड़ा कर रहे हो, तनु शर्मा, 44th अमेंडमेंट, ठीक है। जम्मू कश्मीर में चलेंगे और भगवाला रहेंगे, अनुज प्रताप बोल रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पे ज्योग्राफी का सेक्शन, और जल्दी से 110 लाइक्स कंप्लीट कर दो, फिर हम लोग ज्योग्राफी का सेक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सेशन कर शेयर वगैरह भी कर दिया करो, मतलब मैं बोलता नहीं हूँ तो तुम लोग करते भी नहीं हो, ठीक है। सही है सभी का, गुलशन, तुलिका सेन, एबी डिविलियर्स, स्टार्ट करें। चलो पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी का आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहला है, किस वर्ष भाखड़ा नंगल बांध की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी करने की स्वीकृति दी गई थी। इन विच ईयर अ कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प वॉज अप्रूव्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कॉमेमोरेट द 50th एनिवर्सरी ऑफ द भाखड़ा नंगल डैम। ऑप्शन आपके सामने 2010, 2015, 2016 या फिर 2013। आंसर ऑप्शन नंबर 16 का डी होगा, 2013 में। अब ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपको कम्प्लीटली स्किप करना है, ठीक है, क्योंकि आई थिंक जितना मुझे याद है कि उस टाइम में कुछ करंट में भी नहीं था, बट इसने ऐसे पूछ लिया, और 2013 का न्यूज़ आपको याद नहीं होगा, ठीक है। तब तो जब आप में दिया होगा तो काफ़ी लोग 10th और 11th में होंगे, फिर 9th में होंगे, तो कौन ही इतना याद रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है, बट ये क्वेश्चन स्किप करने वाला क्वेश्चन है, बट यहाँ पे हमारा काम बनता है कि हम बाकी देख लें, ठीक है, कि भाखड़ा नंगल डैम के बारे में और क्या क्या फैक्ट हमें याद रह सकते हैं। तो भाखड़ा नंगल डैम आपका लार्जेस्ट डैम है, आपको पता होना चाहिए, कहाँ इंडिया का, किस नदी पर बना हुआ है, सतलज पर बना हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही आपने लार्जेस्ट सुना तो आपका ये काम बनता है कि आप बाकी चीज़ों को याद करो, कि लॉन्गेस्ट कौन सा है, कोई बताएगा इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है। लार्जेस्ट तो देख लिया, हाईएस्ट आप लोगों को हो सकता है पता हो, ठीक है, हाईएस्ट भी आपको बताना है और किस नदी पे है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कौन सा है, ये है आपका हीराकुड डैम, ठीक है, हीराकुड कौन सी नदी पे है, महानदी पे है, ठीक है। हाईएस्ट की बात करें, आपको पता होगा टिहरी है, भागीरथी नदी पे, ठीक है, भागीरथी पे। और भागीरथी अलकनंदा से कहाँ मिलती है, भागीरथी अलकनंदा कहाँ पे मिलती है और गंगा का रूप लेती है, गंगा बनाती है, जरा बताइए, उस जगह का नाम डी से चालू होता है।
ठीक है, कल ही मैंने आपको बताया था। भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रमुख प्रजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोमिनेंट स्पीशीज ऑफ ट्रीज फाउंड इन ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट ऑफ इंडिया? देवदार, सिडार, रबर ट्री, कोकोनट ट्री या फिर टीक ट्री? अब फॉरेस्ट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं या फिर काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। तो अगर हम बात करें फॉरेस्ट की, तो सबसे पहले तो इसका आंसर जान लेते हैं, डेसीडुअस। अब डेसीडुअस फॉरेस्ट को ध्यान रख लेना, हम मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानसून फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि इंडिया में पाए जाते हैं मोस्टली डेसीडुअस, और इंडिया में मानसून, आपको पता है, इंडिया मानसून के लिए जाना जाता है। और जब मानसून आता है ना, तब ये खिलते हैं। जैसे अभी मानसून आएगा जुलाई के टाइम पे, तब ये एकदम पेड़ वेड़ एकदम हरा भरा बनेगा। तो ये मानसून पे डिपेंडेंट है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज मानसून फॉरेस्ट। अब आप बताओ रबर जो है, अब मानसून फॉरेस्ट आपको ये डेसीडुअस कहाँ देखने को मिलते हैं? यूपी, एमपी, यहाँ ये वाले रीजन में, सेंट्रल रीजन में, ठीक है। रबर ट्री की अगर हम बात करें, तो रबर ट्री यूपी एमपी में कहीं देखने को मिलता है? नहीं, साउथ में देखने को मिलता है आपको, साउथ इंडिया में, ठीक है। साउथ इंडिया में अगर हम बात करें, जैसे मालाबार वाला रीजन है, केरल का वेस्टर्न घाट, तो ये क्या है, ये आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। एवरग्रीन यानी कि सदाबहार वन, तो ये रबर ट्री कहीं ना कहीं सदाबहार का पार्ट होगा, तो ये होगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। कोकोनट की अगर हम बात करें, ठीक है, नारियल पर अगर आप देखो तो साउथ वगैरह मिलते हैं, तो ये डेसीडुअस का ये भी पार्ट नहीं है। आंसर होगा अपने सागौन के पेड़, सुनाऊंगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, सागौन के पेड़, टीक ट्री, बिकॉज डेसीडुअस फॉरेस्ट आपको इसी वाले रीजन में मिलेंगे, यूपी एमपी में, ठीक है मोस्टली। अब हम बात करें फॉरेस्ट के बारे में, मैं आपको सारे फैक्ट्स जल्दी से बता देता हूँ पहले ये हटा के, क्योंकि फॉरेस्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन, ठीक है, पहले इसके रिगार्डिंग तुम फैक्ट देख लो। ये आपको वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल होती है, ध्यान रखना इस चीज़ को। इंडिया में कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, तो मैं मैप के थ्रू आपको दिखाता हूँ। ये वेस्टर्न घाट वाला पार्ट है, वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न साइड है यानी केरल वाला जो रीजन है, वहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक। यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया ना, यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो तीन इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, और बस आपको ये तीन याद रखने हैं, तीन इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं जहाँ पे आपको एवरग्रीन सदाबहार इंडिया में देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहीं पे आपको 200 सेंटीमीटर ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। इसके बाद आते हैं डेसीडुअस। डेसीडुअस वहाँ देखने को मिलते हैं जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होती है, ठीक है। और ये इंडिया, इनको मानसून फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, और इंडिया का मोस्ट ऑफ द हिस्सा ये कवर करते हैं, ठीक है। इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं, साल टीक, नीम, शीशम, ठीक है, शीशम का पेड़ आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये सब डेसीडुअस। एवरग्रीन की अगर हम बात करें, तो इसके इंपॉर्टेंट ट्रीज देख लो, एबनी, ध्यान रखना इसको, यार रट लेना, एबनी, EBONY, माहोगनी, ठीक है, एबनी माहोगनी यहाँ पे लिख देता हूँ, रोजवुड, ठीक है, सिंचोना, ठीक है, एनी। और आप कोई, आप ये बता सकता है कि सिंचोना ट्री की बार्क यानी कि छाल को हम किस डिजीज़ में यूज़ करते हैं, उसको, उससे काउंटर करने के लिए, देखते हैं कितने लोगों को पता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके डेसीडुअस के बाद आ जाते हैं आपके थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न यानी कांटेदार वन, ठीक है, वो जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम होती है रेनफॉल, वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, जैसे राजस्थान और गुजरात वाले रीजन में, ठीक है। अब अबनी महागनी माई एम तुलिका सेन सही है, बिल्कुल शिवेंद्र क्विन बिल्कुल सही, एबी डिविलियर्स का सही आंसर आया सबसे पहले, मलेरिया, ठीक है, मलेरिया के लिए हम यूज़ करते हैं इसकी बाग को। प्रीति यादव, माई एम, ए बी डिविलियर्स, शिवेंद्र सही है सभी का, और सभी लोग पार्टिसिपेट करो, 100 लोग देख रहे हो बट वही 10-15 लोग ही, 15-20 लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हो, बाकी सो रहे हो क्या? Q9 बिल्कुल, उसको Q9 बोलते हैं, ठीक है। अब 18th नंबर इसका आंसर देख लेना हम लोगों ने, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सागौन का पेड़ यानी कि टीक ट्री, ठीक है। और एक और फॉरेस्ट होते हैं मैनग्रूव। मैनग्रूव के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैनग्रूव यानी कि जहाँ पे दलदली क्षेत्र होता है ना, मार्शी एरिया, वहाँ पे देखने को मिलता है हमें। जैसे कि आपको सबसे लार्जेस्ट मैनग्रूव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे आपको सुंदरबन डेल्टा के पास, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियाँ आती हैं वेस्ट बंगाल वाले में, वहाँ पे मैनग्रूव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और जितना भी हमारा कोस्ट है ना इंडिया का, यहाँ पे जहाँ पे रिवर मिलती है ओशन से आके, वहाँ पे आपको मैनग्रूव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। मैनग्रूव की खासियत हम लोगों ने देखी थी कि इनकी जो रूट्स होती हैं, इनको रूट्स को लिविंग रूट्स बोलते हैं, बिकॉज ये ऊपर होती हैं। और अच्छा, आप ये बताओ, क्या बताओ, कुछ पूछना था जब वो भूल गया, हाँ, कि दलदली क्षेत्र में कौन सी गैस मिलती है हमें, दलदली क्षेत्र से कौन सी गैस रिलीज होती है, देखते हैं कि तुम लोगों को पता है। अगला 18th नंबर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष आरक्षित वन घोषित किया गया? इन विच ईयर काजीरंगा नेशनल पार्क वॉज डिक्लेयर्ड अ रिजर्व फॉरेस्ट? 1925, 1900, 1908 या फिर 1940? तो अगर हम काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें, तो पहले तो ये बताओ कि स्टेट में ये,
तो काजीरंगा नेशनल पार्क ये आपका असम में है, और किस के लिए जाना जाता है, तो ये वन हॉर्न्ड राइनोसोर, एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अभी इस्टेब्लिश कब हुआ था, एक तीन चीज़ें याद रखनी है तुमको, मेथेन सही है, माई एम सुभाष कुमार, निहाल गुप्ता, सिमरन, राहुल कुमार, जितेंद्र सही है सभी का। अगर हम बात करें, तीन चीज़ें याद रखनी है, कब इस्टेब्लिश हुआ, कब रिजर्व फॉरेस्ट का दर्जा मिला और कब टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला, तीन चीज़ें याद रखनी हमने, ठीक है। तो ये इस्टेब्लिश हुआ 1905 में, रिजर्व फॉरेस्ट का दर्जा मिला 1908 में, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, और इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला सन 2006 में, ठीक है। और आपको ये बताना है, क्या बताना है, कि हमने एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था, वो कब लॉन्च किया था, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और इसके तहत प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाला पहला अपना नेशनल पार्क कौन था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। टाइगर की पॉपुलेशन को हमें डबल करने का हमने एम रखा था प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, आपको ये बताना है कब ये हम लाया था। ऑप्शन मैं आपको दूँ, चलो ऑप्शन दे देता हूँ, 1970, 1971, 1972 या फिर 1973, आप बताओ कौन सा इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छा आप ये बताओ, काजीरंगा हमने देख लिया कि कंचनजंगा कहाँ पे है, ठीक है, कंचनजंगा नेशनल, ये जो है नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है। अगला 19th नंबर, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, को K2 पर्वत के नाम से जाना जाता है, इसकी ऊंचाई कितनी है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन इज ऑल्सो नोन एज माउंट K2, व्हाट इज इट्स हाइट, जल्दी से बताओ। एंड डू लाइक द सेशन, जल्दी से हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, 120 लाइक कंप्लीट कर दो, फिर हम लोग अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। सिक्किम सही है, ए बी डिविलियर्स सही है, और 1973 प्रोजेक्ट टाइगर, माई एम सिक्किम सही है सभी का। तो अगर हम बात करें इसकी हाइट कितनी है, देखो तुम्हें क्या ये पता है कि माउंट K2 वर्ल्ड के सेकेंड हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 8.8 किलोमीटर है, फिर 8849 मीटर्स टू बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है, 8.8 किलोमीटर से फिर 8849 मीटर्स। अब देखो 8849 मीटर्स है तो ये सेकंड लार्जेस्ट है, तो कहीं ना कहीं इसके आसपास ही तो होगा, ये तो काफ़ी दूर हो गया है कि नहीं, ये भी थोड़ा सा दूर हो गया, इसके आसपास ही होगा, और इसके आसपास सबसे अगर हम देखें तो ये है 8611 मीटर्स, यानी 8.6 किलोमीटर्स, ये आपकी सेकंड हाईएस्ट पीक है K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन। थर्ड हाईएस्ट पीक कौन सी है, कंचनजंगा है, ठीक है, सभी का सही है, ठीक है, कौन सा है, कंचनजंगा, और कंचनजंगा वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है और इंडिया की हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट और इंडिया की हाईएस्ट, इसका हाइट है 8586 किलोमीटर्स को रट लेना। अब ये तो यूजुअली लोगों को पता होता है, टॉप की जो थ्री होती हैं, फोर्थ किसी को पता है, फोर्थ हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो फोर्थ हाईएस्ट ध्यान रखना लॉत्से, तिब्बत में पड़ती है लॉत्से, और इसकी हाइट है 8516 किलोमीटर एटलीस्ट, चलो इसका ना याद हो बट इसका तो याद ही रखो, कंचनजंगा, K2 और माउंट एवरेस्ट का, ठीक है। आखिरी सवाल ज्योग्राफी का है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट इज बोमडिला पास लोकेटेड, हिमाचल, नागालैंड, सिक्किम या फिर अरुणाचल, माई एम सही है। चलो अगर हम बात करें बोमडिला, पहले ही देख चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, बोमला, बोमडिला, दीफू पास, ये सारे पास आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, अरुणाचल में। अच्छा ये बताओ, कुछ दिन पहले हम लोगों ने तीन हिल्स के नाम पढ़े थे जो कि अरुणाचल में थी, कोई बता सकता है उन हिल्स का नाम, एम से किसी का चालू होता है, ठीक है, जल्दी से बताइए नाम उनका, तीन हिल्स का नाम, ठीक है। गारो खासी जयंती है मत बोल देना, वो मेघालय में, ठीक है। योर फ्यूचर ड्रीम दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग, आपको आज जब नोटिफिकेशन आएगा तो पता चल जाएगा कि क्लासेस कब स्टार्ट होंगे और कैसे स्टार्ट होंगे और कौन सा सब्जेक्ट को कैसे कवर अप किया जाएगा, ठीक है। अभी तक आंसर तो नहीं आया बट अब बाकी पासेस को हम देख लेते हैं, जैसे सिक्किम में आपके हैं नाथुला और जेलेपला, नाथू और जेलेप, नाथुला जेलेपला। हिमाचल में आपके जैसे शिपकिला, आपको पता होना चाहिए शिपकिला, गारो खासी, देखे बोल दिया ना भाई, गारो खासी दीपक जोशी ने, ठीक है बिल्कुल, ए बी डिविलियर्स का सही आंसर आ गया है, मीरी मिशमी अभोर, ठीक है, मिशमी अभोर डाफिर, बिल्कुल सही है, सभी का सही है। चलो अगर हम बात करें बाकी, शिपकिला हमने देख लिया हिमाचल में, और उत्तराखंड में दो हम लोगों ने देखे थे, नीति और माना, नीति पास और माना पास, ठीक है। साइंस का सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है और सभी लोग सेशन को कर देंगे लाइक और शेयर। साइंस का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन है डाइक्लोरो फ्लोरो मिथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डाइक्लोरो फ्लोरो मिथेन। ऑप्शंस आपके सामने, CCl2F2C2H3CCl2F2CH2FCF, बताइए, ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, जिन लोगों ने केमिस्ट्री वगैरह पढ़ा होगा क्लास 11th और 12th में ढंग से थोड़ा भी,
आराम से कर लेंगे, आंसर CCl2FT होगा। अब डाई क्लोरो, डाई फ्लोरो बोल रहा है, यानी दो क्लोरो यानी दो क्लोरीन और दो फ्लोरीन, कहाँ पे हैं? फ्लोरीन तो दो है, क्लोरीन दिख ही नहीं रहा है, क्लोरीन दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, क्लोरीन दिख ही नहीं रहा, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए CCl2F2, इजी क्वेश्चन है। एक्वा रेजियनी अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक ताज़ा तैयार किया गया मिश्रण है, इस ताजे मिश्रण को क्या किस अनुपात में मिला जाता है? एक्वा रेजियस ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस मिक्सचर? 2:1, 1:3, 3:1 या फिर 2:3? बताइए HCl और HNO3 को किस रेशियो में मिलाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, 3:1। याद कैसे रखोगे कि 1:3 नहीं होगा, 3:1 होगा? याद ऐसे रखोगे, HCl में कितने लेटर्स हैं? 1, 2, 3, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, तो 3, ठीक है, और इसका होगा 1, ठीक है, 3:1, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक पुटकियों के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ ऑर्गेनेल वेसिकल्स? तो हमने पिछले ही वीक में दो बार ये पढ़ा था कि कौन पैकेजिंग और स्टोरेज और पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी एपरेटस या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, 3:1 सही है। सुमेर, तुलिका, गुलशन, प्रीति, MIM, दीपशिखा, एबी डिविलियर्स, प्रियांशु त्रिपाठी, चलो सेशन को 120 लाइक्स अभी तुम लोगों ने कंप्लीट किए नहीं है, ठीक है, दर्द पहुंचता है दिल को। ऑर्गेनल वेसिकल कौन सा है? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोल्गी एपरेटस, हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, हम लोगों ने कैसे पढ़ा था, हम लोगों ने जब राइबोसोम के बारे में पढ़ा था कि राइबोसोम हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद होता है, और ये जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, फिर उसकी पैकेजिंग ट्रांसपोर्टिंग काम हमारा गोल्गी एपरेटस करता है, ऐसे हम लोगों ने याद किया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, बिकॉज ये एनर्जी को जनरेट करता है, ATP का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। प्लास्टिड अगर हम देखें तो ये प्लांट से मौजूद होता है, जैसे कि प्लास्टिड भी डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, जैसे क्रोमो, क्लोरो, तो ये सब क्या कलर प्रोवाइड करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, तो ये प्लास्टिड आपको प्लांट्स में देखने को मिलेंगे। तो अगर हम पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन की बात करें, गोल्गी एपरेटस। अच्छा आप ये बताओ, टर्जिडिटी सेल में कौन प्रोवाइड करता है? कहाँ गया ये, टर्जिडिटी कौन प्रोवाइड करता है सेल में? देखते हैं कितने लोगों को पता है, वी से नाम चालू होता है उसका। 24th, आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर फैदोमीटर? आंसर क्या होगा? सब दीप टूटे आशिका है आज के सेशन में। पोटैटो, अभी तक तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा था, आशिकी वाली बात निकल के तुरंत आ जाती है, हा? इसका आंसर क्या होगा? ह्यूमिडिटी का हाइग्रोमीटर, हाइड्रो मतलब आते ना, हाइड्रो जहाँ पे भी आता है उसका मतलब होता है वाटर, तो वाटर की अगर हमें डेंसिटी या फिर और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को अगर मेजर करना है, वी विल यूज़ हाइड्रोमीटर, बट हाइग्रो ग्रो तो ह्यूमिडिटी को मेजर करेंगे, आर्द्रता को। गैल्वेनोमीटर जो छोटा सा करंट होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, तो उसको मेजर करते हैं। फैदोमीटर से हम किसको मेजर करते हैं? डेप्थ ऑफ ओशन को, ठीक है, कल हम लोगों ने देखा था आई थिंक प्रीवियस ईयर में भी इस क्वेश्चन को। 25th नंबर क्वेश्चन है, हर्ड्स में ध्वनि की किस विशेष को मापा जाता है? विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन हर्ड्स? इंटेंसिटी, वेवलेंथ, लाउडनेस, फ्रीक्वेंसी? आंसर क्या होगा? हर्ड्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी को मापते हैं ध्वनि, और या फिर सेकंड इनवर्स, दोनों ही यूनिट हैं इसकी, हर्ड्स भी और सेकंड इनवर्स भी है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, 1/ टाइम पीरियड, ठीक है। इंटेंसिटी और लाउडनेस को मेजर करते हैं डेसिबल्स में, और वेवलेंथ को आपको पता है मेजर करते हैं मीटर्स में। आप ये बताइए मुझे कि पिच जो है किसकी प्रॉपर्टी है, लाउडनेस किसकी प्रॉपर्टी है? कुछ लोगों को हवा नहीं लग रही होगी, क्या प्रॉपर्टी चल रहा है, लेकिन अभी ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पूछता है आपसे, ठीक है, इस वजह से मैं यहाँ पे आपको मैंने बताया, ठीक है। टर्जिडिटी, वैक्यूल, बिल्कुल सही है। चलो अगर हम बात करें, पिच है प्रॉपर्टी आपकी फ्रीक्वेंसी, यानी पिच ऑफ एनी साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस ऑफ एनी साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, इस फैक्ट को याद रख लेना, ठीक है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। अच्छा आप ये बताओ, मल्टीपल इको को क्या हम बोलते हैं, कोई बता सकता है? मल्टीपल इको को हम क्या बोलते हैं, कौन सा टर्म यूज़ करते हैं मल्टीपल इको के लिए, और इको सुनने के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए सोर्स और रिफ्लेक्टर के बीच में? तो मल्टीपल इको को हम बोलते हैं, पहले तो मैं देखना, चलो मैं बता ही देता हूँ, इसका आंसर देना, ठीक है, इसका आंसर होगा आपका रिवर्बरेशन। मल्टीपल जैसे कि ये दो हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे 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 आपने देखा है ना कि हॉल में आप बोलो तो कई बार होता क्या कि आपका इको बार बार लौट लौट के सुनाई देता, तो दैट इज़ कॉल्ड रिवर्बरेशन, उसमें प्रॉपर हमें इको नहीं मिल पाता है। प्रॉपर इको सुनने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए, देखते हैं कितने लोगों को पता है, 25 सेंटीमीटर मत बोल देना, ठीक है,
वो एक मिनिमम लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ विजन होता है, ठीक है। 17 मीटर्स इज करेक्ट आंसर, पोटैटो ने आंसर दे दिया, दिल पे ले लिया पोटैटो भैया ने। आकाश पाल बिल्कुल सही है, 17 मीटर आपका एकदम सही आंसर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आज मैंने इकोनॉमिक्स का सेक्शन नहीं लिया बिकॉज इकोनॉमिक्स हम कर चुके हैं। कल के हम लोगों ने पेपर में देखा था कि कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन आ रहे थे और कुछ स्टूडेंट का डिमांड था सर कंप्यूटर भी करवाइए, तो आज हम लोगों ने कंप्यूटर पिकअप किया है, ठीक है। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन करेंगे, दैट्स अ सरप्राइज, ठीक है, सरप्राइज, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं सरप्राइज का, सनी लवानिया, डॉपलर इफेक्ट, शिवेन दीपशिखा, पहला क्वेश्चन देखें सभी लोग। चलो इसी खुशी में, आज कंप्यूटर की खुशी में जल्दी से 140 लाइक्स कंप्लीट कर दो, ठीक है, फिर हम लोग कंप्यूटर सेक्शन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्यूटर का, 25 इज लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ विजन, सही है। पहला क्वेश्चन है संक्षिप्त नाम ISP का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोडक्ट्स। तो अगर हम बात करें, सुपर इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। ISP का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, चलो अगला क्वेश्चन है 27th नंबर, राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, व्हाट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल एयर ट्रैफिक एंड रडार्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, हाइब्रिड, एनालॉग, पर्सनल या फिर डिजिटल। ये भी अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ करोगे, अमन, शिवेंद्र, निहाल सही है सभी का, इसमें भी थोड़ा सा आप दिमाग को यूज़ करो। आप एयर ट्रैफिक को भी कंट्रोल कर रहे हो और रडार को भी कंट्रोल कर रहे हो, यानी कि आपको हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जो दोनों काम को कर सके, दैट इज़ कॉल्ड एनालॉग, एक तरह का काम कर पाएगा, डिजिटल एक तरह का काम कर पाएगा, पर्सनल पर्सनल काम करेगा, हाइब्रिड जो है दोनों तरह काम करेगा, ट्रैफिक वाला भी और रडार वाला, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन मैंने लिए हैं ना, सारे प्रीवियस ईयर हैं, कोई ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर का ना हो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में डिज़ाइन टैब खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द डिज़ाइन टैब इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016, शिफ्ट प्लस F3, ऑल प्लस G, कंट्रोल प्लस A, फिर कंट्रोल प्लस A। तो शॉर्टकट कीज आपको पता होनी चाहिए। अब ये कंप्यूटर का, जब दिल्ली पुलिस में, क्योंकि अलग से 10 नंबर का आपका कंप्यूटर देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे आपका अलग से क्लास चलेगा, उसके लिए रिगार्डिंग वरी आप चिंता मत करो, ठीक है। बट यहाँ अभी के लिए SSC परस्पेक्टिव, CHSL और MTS के लिए हमें जो प्रीवियस ईयर को, उनको सारों को जल्दी जल्दी कर लेना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑल्ट प्लस जी का हम यूज़ करेंगे, अगर हमें डिज़ाइन टैब को यूज़ करना, ओपन करना है, तो शिफ्ट प्लस F3 का कहाँ यूज़ करते हैं किसी को पता है? तो कोई जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ, इसका मुझे जैसे ये स्मॉल केस में, अगर मुझे इसको अपर केस में करना है, तो मैं शिफ्ट प्लस F3 करूँगा सेलेक्ट करके, और अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि केस चेंज करने के लिए टेक्स्ट का हम शिफ्ट प्लस F3 का यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस A की अगर हम बात करें, तो अगर हमें सारे आइटम्स को, किसी डॉक्यूमेंट के सारे आइटम्स को एक बार में सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस A का यूज़ करेंगे। और कंट्रोल प्लस K का हम यूज़ करते हैं कहीं पर किसी टेक्स्ट में हमें हाइपर लिंक को अटैच करना होता है, कि लिंक पे आपने क्लिक किया और सीधे आप उस लिंक में पहुंच गए, उस वेबसाइट पे, उस वीडियो में, जहां पे भी, तो किसी टेक्स्ट में हाइपर लिंक को अटैच करने के लिए कंट्रोल प्लस A का यूज़ करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है, दीपशिखा क्या हो गया भाई, 29th नंबर, बार कोड सिस्टम किसके द्वारा विकसित की गई थी, बाई हुम वॉज द बार कोड सिस्टम डेवलप्ड, जॉन बर्गर, अंडे वाला बर्गर, ठीक है, जॉन मैकार्थी, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड, फिर डेविड ब्रैडले। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बारकोड सिस्टम किसने डेवलप किया था, किसने किया था जल्दी से बताएं, जॉन बर्गर ने किया था, जॉन मैकार्थी, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड, फिर डेविड ब्रैडले। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 29th का सी होगा, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। जॉन मैकार्थी को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, बिकॉज जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनते रहते हो AI, वो इन्होंने ही एक तरह से उसकी खोज की थी। तो जॉन मैकार्थी इज़ नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बाकी के दो ऑप्शन नहीं पढ़ने, ये पोएट थे और ये एक्टर थे, जिससे हमें कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बारकोड को नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने डिस्कवर किया था, फादर ऑफ AI बोलते हैं जॉन मैकार्थी को। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में HLL का अर्थ क्या होता है, हाइपर लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लो लेवल लैंग्वेज, या फिर हाई लेवल लिस्ट। आखिरी क्वेश्चन है ये, 5 करोड़ के लिए क्वेश्चन है, जो भी इसका आंसर सही देगा डायरेक्टली 5 करोड़ जो है अमाउंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। सर आप एग खा लेते हैं, सनी लवानिया, हाँ भाई खा लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, बस चिकन वगैरह वैसा कुछ नहीं खाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें HLL, तो ये आपका हाइपर लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल, या फिर हाई लो लैंग्वेज, या फिर हाई लेवल टेस्ट लिस्ट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाई लेवल लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर बी। 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं, आप जल्दी से ज़रा स्कोर बता दो, ठीक है।
सेशन को शेयर कर दिया करो, ध्यान रखना इस चीज़ को। और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का आज वैकेंसी आ रहा है, उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और MTS की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ परमार अकेडमी एप्लीकेशन पर चल रही है, उसको मिस मत करना, टेस्ट सारे लगा के जाना। और आप लोगों को ये PDF जो है टेलीग्राम पे यहाँ पे मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे भी इसका PDF देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपका गांव कौन सा है? हमारा अपने गांव का नाम बताएं, फॉग का जो हिंदी होता है ना, वो हमारे गांव का नाम है। ठीक है, 2-5 करोड़, बिल्कुल जानवी, अभी आपको देते हैं 5 करोड़। ठीक है, अपना बैंक अकाउंट नंबर सब ट्रांसफ़र करो अभी अनुभव। ठीक है, अच्छा ना हो तो जोड़ते रहना। ठीक है, जब कम से कम यार 20-25 करोड़ तो होने दो ना। ठीक है, अब इतना 5 करोड़, इतना स्मॉल अमाउंट ट्रांसफ़र करने में शर्म आती है, तो थोड़ा सा अमाउंट बढ़ लें, तो जब 20-25 हो जाए तो बताना, तो एक साथ कर देंगे। ठीक है, लेट आया था, 8 आए, चलो कोई नहीं, आपकी क्लास से कॉन्फिडेंस आ जाता। जितेंद्र सर, आप वेजिटेरियन हैं? बिल्कुल अंडे वाले वेजिटेरियन हैं हम। ठीक है सर, एग्ज़ाम 26 आए हैं, दीप शिखा 17, निहाल गुप्ता 150 रुपया दे रितेश मिश्रा, बिल्कुल सेवन सिंह आपने सही पकड़ा है, माई एम आपने भी सही पकड़ा, दीप शिखा 26, हिंदुस्तान में फॉग चल रहा है, बिल्कुल। अच्छा चलो, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं कल, कल नहीं मिलेंगे, आज ही मिलेंगे, रात को मिलेंगे। बहुत लोग रात को ख्वाहिश रहती थी ना कि रात में मिलो, तो रात में मिलेंगे 9 बजे। ठीक है, 9 PM पे, और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे 13 अप्रैल, SSC CHSL फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट, और फिर थर्ड शिफ्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम इसलिए आप ही वीडियो बनाकर अपलोड कर दीजिए, क्योंकि लाइव में कितने ज़्यादा लग जाते हैं, प्लीज़। समझा नहीं। चलो परेशान वगैरह कुछ नहीं हुआ। ठीक है, रात में मिलो, बिल्कुल आज रात में मिलते हैं। ठीक है, 9 बजे सभी लोग अपना अपना इंतज़ाम करके आएंगे, और मेरे लिए भी इंतज़ाम करके आएंगे। ठीक है, चलो धन्यवाद सभी को, और शेयर कर दिया करो, नहीं कोरम बढ़ा देंगे, अभी कल के लिए कोरम तो वही रहेगा, फिर शेयर नहीं करोगे तो कोरम बढ़ जाएगा। ठीक है, आज रात का सीन बना दें काफ़ी टैलेंटेड हैं आप लोग वैसे, बिल्कुल एगिटेरियन। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं रात को 9 बजे, और 9 बजे काफ़ी कम संख्या में नहीं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, ताकि माहौल बन सके। धन्यवाद सभी।